ALCS, a renowned name in the field of hair transplant and cosmetic surgery. Here you will find solutions for hair fall, baldness, and for all your aesthetic concerns like rhinoplasty or nose correction, liposuction, mommy makeover, breast augmentation, tummy tuck, gynecomastia, and all other cosmetic procedures. Hello everyone, my name is Sundar Singh Mahur and I belong to Ghaziabad district. From last 5 years I am living in Jaipur and working in a housing finance company as a regional business head. मेरे को जो hair transplant के बारे में जानकारी मिली और जो मैंने इसके बारे में जाना ये discussion मेरा एक colleague के साथ हो रहा था और उनका हेयर ट्रांसप्लांट देख के मैंने सोचा कि मुझे भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए क्योंकि मेरे इस एरिया के बाल पूरे जा चुके थे और ये देख के मेरे को बड़ा अजीब सा महसूस होता था. बेसिकली एज का फैक्टर बहुत ज़्यादा गड़बड़ा रहा था. अभी मेरा जो एज है 41 है और मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा था और मैं अपने आप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील भी करता था. तो उससे बात करने से मुझे मोटिवेशन आया कि ये कराना चाहिए. मैं डरा हुआ था एक्चुअली कि ये कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, क्या कॉस्टिंग आती है. एक्चुअली जिसने हेयर ट्रांसप्लांट पहले कराया था मेरे कलीग्स ने, तो उसका हेयर ट्रांसप्लांट देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था क्योंकि उसकी सर्जरी में कुछ निशान था जिससे मेरे को चिंता हुई कि ऐसा निशान मेरा नहीं होना चाहिए. तो शायद वो अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि वो आगरे से कराया था उसने. उसके बाद मैंने कहा हो सकता है कोई बेटर ऑप्शन मिले, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने नाम पाया ALCS डॉक्टर सुनील अरोरा. तो दैट टाइम आई वाज इन कोटा, तो आई कॉल फ्रॉम कोटा टू ALCS फॉर ऑल इंफॉर्मेशंस एंड विद इन 5 मिनट दे सेंड ऑल द कोटेशंस ऑन माई मेल एड्रेस. So after 2-3 days when I came to Jaipur and I meet the Dr. Sunil Arora and he gave me all the information, all the details which I have some doubt, whatever. They clear all these things ki kaise hoga, koi keh raha hai problem aa jayegi, koi keh raha hai aisa nahi karana, aage chal ke problem aayegi, infection ho jata hai. So I was very scared. So डॉक्टर साहब ने बोला कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें और यू विल एंजॉय ड्यूरिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम. उसके बाद मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको बहुत जल्दी करवाऊंगा और विद इन ए मंथ मेरे को डेट मिली यहाँ से और मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पर अपना नाम लिखवा दिया और डॉक्टर साहब ने डेट ले ली और 22 दिसंबर को मेरा डेट सेलेक्ट हुआ, जिससे कि मैं सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुँच गया फैमिली के साथ. थोड़ा सा स्केयर था लेकिन स्टाफ बहुत अच्छे थे. बातचीतों में जब सर्जरी शुरू हुई मेरी, जब हेयर ट्रांसप्लांट की तैयारी हुई, तो मतलब पूरा स्टाफ फैमिलियर था, अच्छा लग रहा था. कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं किसी हॉस्पिटल में या किसी क्लिनिक में आया हूँ. और जो भी ब्रेकफास्ट चाय टी सबसे शुरुआत हुई, फिर जो डर था वो इसीलिए ख़त्म हो गया क्योंकि स्टाफ फैमिलियर हो गया था. हाँ बिल्कुल पता ही नहीं लगा बात बातों में कि कब स्ट्रिप निकल गई, कब बाल निकले, कब मेरे बालों को निकाल के लगाया. मतलब आई स्पेंट 8 आवर्स इन द क्लिनिक, मतलब मॉर्निंग टू इवनिंग, और ये 8 घंटे लंच के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ और टी कॉफ़ी सब के साथ मतलब यूँ निकल गई. और शाम में मैं 9 बजे यहाँ से निकला, सुबह 10 बजे आया, शाम को 9 बजे निकला
खुद ड्राइव करके लेके गया, मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। और जो कैप वगैरह पहन के गया, मैंने अपना जींस टी शर्ट डाली और निकल गया घर। दूसरे दिन मैं नॉर्मल वर्किंग डे करना चाहता था, लेकिन प्रिकॉशंस के कारण ऑफिस नहीं गया, छुट्टी पर रहा, घर से ही काम करता रहा। तीसरे दिन मैं नॉर्मल था, मतलब उसके बाद का 15 दिन निकल गए। मैंने सुबह मॉर्निंग वॉक भी करी, खाना पीना भी अच्छे से खाया, सोया भी, मेडिसिन टाइम से लेता रहा, कोई समस्या नहीं हुई, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल। और घर में भी फैमिली और सारे परिवार में भी ऐसा कुछ लगा ही नहीं ना कि कुछ इनका ऐसा हुआ है कि हमको बहुत ज़्यादा केयर करना है या कुछ। नॉर्मल केयर में सब कुछ हो गया। आज 15 दिन हो गए और आने वाले दिनों की मेडिसिन आज मैं लेने आया हूँ और सब कुछ नॉर्मल ठीक ही रहेगा मेरे हिसाब से। 15 दिन पहले जो मैंने कराया था वो मेरा ये टोटल एरिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एरिया था। टोटल 5,500 ग्राफ्ट इसमें लगे हैं। और 15 दिन के बाद में आज, मतलब कल मेरा 15 दिन हो रहा है, आज 40 डेज ही है, तो ये पूरा एरिया कवर हो रहा है। और मतलब ऐसा लगता नहीं है कि अभी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, और बाल भी धीरे धीरे आ रहे हैं और काफ़ी भरा भरा लग रहा है। और आगे की दवाई चलने के साथ साथ ये धीरे धीरे आता रहेगा। और इस तरह से मैं, मतलब आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। एंड फाइनली आई विल थैंक टू मिस्टर सुनील अरोरा for this successful hair transplant surgery. And in future I will recommend to my colleagues and my relatives, because they have given a successful hair transplant to me, and I really enjoy with the staff and in this clinic. So thank you so much, and thanks a lot for the same. ALCS, Hair Transplant and Cosmetic Clinic. Get best solutions to all your aesthetic concerns.